मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में 75वें वन महोत्सव का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से ओक यानी के बाण का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अब वनों में 30% से बढ़ाकर 60% फलदार पौधे लगाएगा, साथ ही सूखे पेड़ों को काटने और गिरे हुए पेड़ों को उठाने की अनुमति फॉरेस्ट गार्ड और DFO स्तर पर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विभागों में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था परिवर्तन में वन विभाग में भी परिवर्तन आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सड़क किनारे और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरे हुए पेड़ों को उठाने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन इसमें भी परिवर्तन किया गया है, जिसके चलते वन विभाग की रॉयल्टी 35 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अब प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड 2 और DFO 25 सूखे पेड़ काटने और गिरे हुए पेड़ उठाने की अनुमति प्रदान कर पाएंगे। इसके अलावा वनों में 30% से बढ़ाकर 60% फलदार पौधे लगाने की भी उन्होंने बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। 12 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ली, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जब मंत्रिमंडल के तौर पर शपथ ली, उस समय से हमारी सरकार सभी प्रकार के विभागों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और वन विभाग भी उसका एक भाग है। मुझे खुशी है कि 75वें वन महोत्सव के इस अवसर पर जो हमने एक साल पहले परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमलीजामा पहनाया, आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था, उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गाँव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे, तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब DFO जो कंसर्न वीट का होगा, वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं जो किसी कारणवश धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन DFO और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और DFO उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा।